मैं इसको अप्रूव नहीं करता हूं कि कोई माइक तोड़े या टेबल पे चढ़े, कोई अप्रूव नहीं करता। गवर्नमेंट का एडवर्टीजमेंट निकला है वन नेशन वन मार्केट, हमें कोई आपत्ति नहीं। आपने पहले भी कहा वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन राशन कार्ड, भगवान के लिए खुदा के लिए वन नेशन वन पार्टी की तरफ मत जाइए, वेरी गुड, वरना अच्छा ये कर रहा है। अच्छा है, और लास्ट में सहमत होना चाहिए लास्ट, और जो उसके साथ ही हमारे जो कलीग्स हैं जिनको सस्पेंड किया है रेस्ट ऑफ द सेशन के लिए, उनका भी वो वापस लेना चाहिए। लेकिन जो इसके पीछे अर्थ है यहां आने का पार्लियामेंट का, चाहे उस तरफ के साथी है इस तरफ के, वो लक्ष्य तो पूरा होना चाहिए। डी एस्केलेशन जो होगी 90% होगी अगर ये हम टाइम को बंधन में न बांधे, हमारे एमपीज को, छोटी पार्टी को हो बड़ी पार्टी को। आज स्टैंडिंग कमेटी को बिल नहीं जाते हैं, आज सिलेक्ट कमेटी को बिल नहीं जाते हैं, ये भी उसके पीछे एक बहुत बड़ी धारणा। सब बिल पास करने की गुंजाइश की जाती है, जो एमपीज बोलना चाहते हैं वो नहीं। He is capable of speaking. सर मैं किसी की निंदा, मैं खाली यही कहूंगा, आपको रोका नहीं, मैंने कहा ये टाइम कंस्ट्रेंट ही हमारे सबसे बड़ी लड़ाई का मुद्दा बन गया। मैं यहां कोट करना चाहता हूं अरुण जेटली को 2016 में, he said that the government becomes illegitimate if the speaker refuses the division of vote. वो तो illegitimate कहता। तो ये तीन चीजें जो किसानों से संबंधित right. जब तक सरकार इनको वापस नहीं लेती है हम सेशन का बाइकॉट कर रहे हैं। बहुत बहुत नो नो प्लीज, अब लोग बैठ जाइए प्लीज, नो दिस नॉट द वे, इट विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड, इट विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड, अर्पिता जी विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड, दिस इज नॉट द वे, दिस विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड, लेट द मीडिया लेट एवरीबॉडी नोट This type of bazaar slogans are not allowed in the house. Chairman sir, sir, जो कुछ भी पिछले दो दिन में सदन में हुआ, मैं नहीं समझता कि उससे कोई भी खुश है, चाहे उस साइड से या इस साइड से। ये हमारा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार जो 130 करोड़ को रिप्रेजेंट करता है इस सदन में, और आप परिवार के मुखिया, घर के अंदर भी परिवार के मुखिया और परिवार के लोगों के बीच में झगड़े होते हैं। आई एम सॉरी सर, यू आर नॉट फीलिंग वेल, आपका ये प्रॉब्लम है। आप आगे ही देखिए, क्योंकि इस तरफ मत जाओ, आप अपने आप सुविधा के अनुसार देखिए, जहां जरूरत नहीं है इधर देख। तो परिवार के मुखिया, मैं यहां जो भी बोलूंगा ये ना परिवार के मुखिया के खिलाफ है या उनकी अब्सेंस में पार्लियामेंट का संचालन करते हैं या हमारे सरकार में रहने वाले साथी, लेकिन मैं कुछ थोड़ा सा ऐसा मालूम नहीं है कि कब तक कोविड रहेगे, हमारे सिर्फ 5 महीने रहे हैं पार्लियामेंट में, तो शायद कोविड अगर रहा तो बजट नहीं होगा, तो शायद ये आखिरी स्पीच भी हो सकती। मैं थोड़ा इसके पीछे जाना चाहता हूं अगर संक्षिप्त में प्लीज सर, मौका सर, व्हाट आर यू थिंकिंग इज गोइंग टू बी योर लास्ट स्पीच सर। सर ये टाइम ही एक हमारी, ये टाइम की कमी ही हमारी सोतन बन गई इस सदन में, इसी में सब झगड़े हो गए। मैं उसी पर आता हूं सर, मैं आप वापस अपनी खत्म करके मैं आप पर ये बनाता सर। ये लोग एक एक स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई 20, हमारे यादव जी तो 22 करोड़ को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं शायद सबसे छोटी स्टेट को रिप्रेजेंट करता हूं,
लेकिन करोड़ों लोगों को जो रिप्रेजेंट करते हैं, इनके करोड़ों लोग देखते हैं और वो चाहते हैं कि उनको सुने। ये टाइम क्या है, ये अपने हाथ का। हम 4 घंटे के बजाय 10 घंटे बैठे हैं, हम 1 महीने के बजाय 2 महीने बैठे, लेकिन जो इसके पीछे अर्थ है यहां आने का, पार्लियामेंट का, चाहे उस तरफ के साथी हैं इस तरफ के, वो लक्ष्य तो पूरा होना चाहिए। वो लक्ष्य 2 मिनट में नहीं होता, 3 मिनट में नहीं होता, इतना बड़े विषय होते हैं। तो ऐसा लगता है कि हमारी सम टाइम यहां नोक झोंक में ही लगी जाती है। एक एक मिनट पे हम ऐसे लड़ते हैं जैसे बॉर्डर पे लड़ रहे हैं। तो मेरा तो टाइम से ही ये कहना होगा कि इसके टाइम के बंधन में, सीमाओं को पार्लियामेंट में हमने बांधे, और उससे हमारी डीएस्केलेशन जो होगी 90% होगी अगर ये हम टाइम को बंधन में न बांधे, हमारे एमपीज को, छोटी पार्टी को हो बड़ी पार्टी को, 90% डीएस्केलेशन होगा। जब एमपी सर यहां बोलता है तो वो खुश होके जाना चाहता, वो चेयर के साथ लड़ाई करके, झगड़ा करके, तूतू मैं करके जाता है। वैसे ही पॉलिटिकल लीडर्स का स्टॉक पब्लिक में बहुत कम है, खत्म हो गया, और उस स्टॉक को हम यहां टाइम के उस झमेले में लड़ लड़ कर और जीरो खुद बना देते हैं। तो मेरा चेयरमैन से निवेदन होगा सब एमपीज की तरफ से, बड़ी पार्टी हो छोटा, इसको हम समय में न बांध लें। एक समंदर को हम एक कुएं में बंद करने की कोशिश न करें, ये तो समंदर है। ये मेरा निवेदन सबसे होगा। सबसे बड़ी दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था, ये तो आपने याद दिलाया इसलिए मैंने उसका भी उल्लेख किया, और इंग्लिश में जो मुहावरा है, मुहावरा कहते हैं हम, प्रोवर्ब, द लॉस्ट स्ट्रॉ विच ब्रोक द कैमल्स बैक। आई थिंक द डे बिफोर यस्टरडे वाज द लॉस्ट स्ट्रॉ विच ब्रोक द कैमल्स बैक। इसके पीछे बहुत पीछे का टर्म है, ये सिस्टम है। एक तो ये टाइम का, कोई नाराज है 1 मिनट मिला, मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पा, आज स्टैंडिंग कमेटी को बिल नहीं जाते हैं, आज सिलेक्ट कमेटी को बिल नहीं जाते हैं, ये भी उसके पीछे एक बहुत बड़ी धारणा। सब बिल पास करने की गुंजाइश की जाती है, जो एमपीज बोलना चाहते हैं वो नहीं। तो ये झगड़ा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए। मैं इसको अप्रूव नहीं करता हूं कि कोई माइक तोड़े या टेबल पे चढ़े, कोई अप्रूव नहीं करता, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो लॉस्ट स्ट्रॉ विच ब्रोक द कैमल्स बैक, वो बड़ा जमा हो गया था, तो इसलिए वो जब वो उभार निकल के आता है तो वो बहुत बड़ा तूफान में बन गया। अगर आधा घंटा अगर नहीं होता उस दिन, अब एक दिन हमने तो कहा था, मैंने माननीय चेयरमैन जी को भी बताया था, मैंने स्पीकर को भी बताया था कि लोकसभा को एक बड़ा एडवांटेज है, वो 3 से 6 बैठते हैं, वो 3 से 9 तक भी बैठ सकते हैं, तो एक हफ्ता उनको दे दो 3 से 6 और एक हफ्ता हमको 3 से 6, ताकि हम भी 9 बजे तक 10 बजे तक बैठें जितना बोलने, लेकिन वो माना नहीं। अब हमको 4 घंटे में ही काम करना है, मैं जानता हूं चेयर की मजबूरी और सरकार की भी मजबूरी, लेकिन सेंस ऑफ हाउस पे ही झगड़ा हो गया, और सेंस ऑफ हाउस का मैं बार बार कह चुका हूं, सेंस ऑफ हाउस डज नॉट मीन द नंबर्स। फिर तो रूलिंग पार्टी वही होती, उसके तब तक तो वो सरकार बनेगी नहीं जब तक उसके पास नंबर नहीं होगा, तो फिर तो अपोजिशन। सेंस ऑफ हाउस है द मेजोरिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। परसों मैं कहूंगा कि 18 पार्टीज एक साइड से थी और एक पार्टी, क्योंकि 2-3 एनडीए की पार्टीज भी उस विषय में इस साइड थी, वो बाकी इशू पे हो ना, तो 18 पार्टीज एक साइड थी एक दूसरी पार्टी से, उसी पे सारा झगड़ा हो गया, राइट। और उसके चलते मैं खत्म करूंगा। आर यू गोइंग टू गिव जजमेंट? You want to give judgment? Sir, leader of the opposition has got enough. I'll chup kar. Sir, मैंने, he is capable of speaking. Sir, मैं किसी की निंदा, मैं खाली यही कहूंगा, मैंने आपको रोका नहीं, मैंने कहा ये टाइम कंस्ट्रेंट ही हमारे सबसे बड़ी लड़ाई का मुद्दा बन गया। सर, उसमें फिर बिल कैसे पास हो? सर, बिल इस सदन कैसे चलता है? जहां तक मेरा अपना 41 साल का अनुभव है इस सदन में और उस सदन में और तीसरे सदन में भी विधानसभा में,
हिंदुस्तान के संविधान के आधार, हिंदुस्तान के कानून के आधार पर, हमारे इस पार्लियामेंट के प्रोसीजर के आधार पर, एस्टेब्लिश प्रैक्टिसेस के आधार पर, एस्टेब्लिश कन्वेंशंस के आधार पर, कोऑर्डिनेशन तीन लेवल पे, फर्स्ट गवर्नमेंट के अंदर बीच में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और जो उसके बिल हैं उसके बीच में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, अपोजिशन और सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, सरकार और चेयर के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होनी चाहिए। ये मुझे लगता है कि ये बुरी तरह से सफर है, ये कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर नहीं होती तो उस बिल को पास करने की इतनी जल्दी नहीं, मुझे नहीं मालूम सरकार के पास बहुमत था या ना था, लेकिन उसमें क्या हुआ कि उसमें जो रेजोल्यूशन है उन पे वोटिंग नहीं हो पाई, क्लॉज बाई क्लॉज जो पास होने था बिल वो नहीं हो पाया, अमेंडमेंट्स जो दी थी अमेंडमेंट्स पे दी थी उस पर डिवीजन होना चाहिए। सर डिवीजन बहुत जरूरी, डिवीजन के बगैर अगर वो एमपी डिवीजन मांगता है जिसने अमेंडमेंट दी है या जिसका रेजोल्यूशन है, अगर वो नहीं होता है तो वो बिल ही नहीं पास होगा। मैं यहां कोट करना चाहता हूं अरुण जेटली को 2016 में, ही सेड दैट द गवर्नमेंट बिकम्स इलिजिटिमेट इफ द स्पीकर रिफ्यूजेस द डिवीजन ऑफ वोट, वो तो इलिजिटिमेट कहता। और 2016 में उत्तराखंड के अंदर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेंट टू सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द उत्तराखंड हाई कोर्ट ऑर्डर और क्या प्ली लिया, द डिवीजन डिमांडेड वाज नॉट गिवन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिवीजन के तक पहुंच जाती है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अरुण जेटली इज नो मोर, ही हैज आल्सो सेड इट्स टिरनी ऑफ माइनॉरिटी, टिरनी ऑफ माइनॉरिटी, टिरनी ऑफ माइनॉरिटी। प्लीज अजय जी प्लीज कंक्लूड। सर मैं आई एम नॉट बीइंग डिक्टेटेड बाय यू, आई विल नॉट एक्सेप्ट इट, नथिंग रॉन्ग, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। You must also remember that he also said it's tyranny of opposition. Sir, Arun Jaitley, so main not get into controversy. Main LOP hi rahu ya koi dusra LOP rahe, lekin jahan LOP ka bhi bahut niche gir gaya astar in kuch saalon mein, pehle LOP par koi seema nahi thi, मैं तीन प्राइम मिनिस्टरों के साथ पिछले 35 साल में एमओएस रहा, पार्लियामेंट्री नहीं, ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहा, कभी एलओपी पर बंदिश नहीं। वो 10 दफा अरुण जेटली जी 10 दफा खड़े होते थे, सुषमा स्वराज 20 दफा खड़ी होती थी, बोलते थे, न बोलने पे सीमा थी न समय पे सीमा थी। हम भी अब सीमा में बंध गए और हमारे एलओपी न होने के बराबर हो गया। ये भी लोकतंत्र के, ये लोकतंत्र के फेवर में ये तमाम चीजें नहीं है। मैं यहां रिक्वेस्ट करूंगा, आखिर में लास्ट एक दो लाइन में रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी जो मांग है, सरकार ने तो कल कैबिनेट में कुछ एमएसपी किया, ये भी कोऑर्डिनेशन की कमी है उस मिनिस्टर के बीच में और कैबिनेट के बीच में और प्रधानमंत्री के बीच में। परसों आप जब बिल ला रहे थे तो सारा चर्चा एमएसपी पे हो रही थी और उस वक्त आपने एमएसपी अनाउंस नहीं किया। अब जब हंगामा हो गया, तोड़फोड़ हो गया, ये तमाम हो गया, उसके बाद एमएसपी लाते हैं। कैबिनेट ये एमएसपी तो पहले ला रही थी, कैबिनेट दो महीने पहले करनी चाहिए थी। अब जो आज जो गवर्नमेंट का एडवर्टीजमेंट निकला है, गवर्नमेंट का एडवर्टीजमेंट निकला है वन नेशन वन मार्केट, हमें कोई आपत्ति नहीं। आपने पहले भी कहा वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन राशन कार्ड, भगवान के लिए खुदा के लिए वन नेशन वन पार्टी की तरफ मत जाइए। वेरी गुड, वरना अच्छा ये कर रहा है, अच्छा है। और लास्ट में सहमत होना चाहिए, लास्ट में सर मेरा निवेदन है इस गवर्नमेंट से, तीन चीजों किसानों के बारे में,
और जब तक ये तीन चीजें नहीं होती हैं कि गवर्नमेंट को एक दूसरा बिल लाना चाहिए जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स पर ये अंकुश लगना चाहिए कि वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीदे, दैट इज नंबर वन। राइट राइट। अरे भाई आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए प्लीज सदन में, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए सदन के अंदर, आप बैठ जाइए ना बिल के अंदर, आप बैठ जाइए मेरे भाई बिल के अंदर, सदन में बाहर हम ठीक है बाहर क्या क्या हम बोलते हैं उसकी बात नहीं करता, सदन के अंदर बिल लाना चाहिए जिसपे कानून, जिसमें आप कोर्ट में जा सकते हैं, बाहर कहने पे हम कोर्ट नहीं जा सकते। दूसरा एमएसपी जो भी अनाउंस होना चाहिए सी टू स्वामीनाथन फार्मूला पे होना चाहिए। राइट। नंबर तीन गवर्नमेंट बाद में करो भाई, स्टेट गवर्नमेंट्स और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को जो खरीदी करेगी किसी भी एजेंसी के द्वारा वो एमएसपी से नीचे नहीं होनी चाहिए। राइट। और जो उसके साथ ही हमारे जो कलीग्स हैं जिनको सस्पेंड किया है रेस्ट ऑफ द सेशन के लिए, उनका भी वो वापस लेना चाहिए। तो ये तीन चीजें जो किसानों से संबंधित, राइट, जब तक सरकार इनको वापस नहीं लेती है हम सेशन का बाइकॉट कर रहे हैं। बहुत बहुत थैंक यू। ऐसा बोलना नहीं, ठीक। आई एम जस्ट कमिंग टू यू, इज एलओपी हैज मेड अ स्टेटमेंट। राइट प्लीज। हाँ सर, आई हैव अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर प्लीज। सर गुलाम नबी जी ने जो भूपेंद्र यादव, गुलाम नबी जी ने जो विषय उठाया है, बैठ जाए ना, आई हैव नॉट कॉल यू सर। गुलाम नबी जी, नो डिबेट गोइंग ऑन, डिबेट इज ऑलरेडी ओवर, ही हैज अनाउंस्ड सर, ही हैज अनाउंस्ड इट सर। गुलाम नबी जी ने जो श्री 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 नो नो प्लीज, अब रो बैठ जाइए, बैठ जाइए प्लीज। No, this is not the way. It will not go on record. It will not go on record, Arpita ji. It will not go on record. This is not the way. This will not go on record. Let the media, let everybody know, this type of bazaar slogans are not allowed in the house. See, this is not your seat. You go back to your... No, I will not allow you. This is not the way. I will not allow you. Go to your seat. Go to your seat first. Go to your seat. Go to your seat. Go to... Right. Honorable members, I have something to say before the government responds. I have something to say before... I will do you. Please. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें।